कैसे हो आप सभी? तो सेट में हम लोग यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम देखेंगे उसी की प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अगर आपने हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यूनियन सेट क्या होता है वो सब हम देख चुके थे, उसके प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी हमारा कि आप ए का यूनियन किसी बी सेट के साथ लो या फिर आप बी का यूनियन सेट ए के साथ लो, दोनों जो रिजल्ट आएंगे यानी कि दोनों जो सेट आएंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसे हम एक एग्जांपल की मदद से देख सकते हैं कैसे। मान लेते हैं एक सेट ए है वॉवेल का, ए ई आई ओ और यू, पांच एलिमेंट इस सेट के हैं। सेट बी है कोई ए बी सी डी और ई, ये पांच एलिमेंट सेट बी में है। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या आएगा, सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे जो क्या क्या है, ए ई आई ओ और यू। सेट बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन ए जो है वो सेट ए के कारण आ चुका है तो वो रिपीट नहीं होगा। बी अभी तक नहीं आया है तो बी आएगा, सी भी नहीं आया है तो सी आएगा, डी भी नहीं आया है तो डी आएगा और ई पहले ऑलरेडी इसके यूनियन में हमने लिख चुका है, प्रेजेंट है, तो हमारा ये चीज यहीं खत्म हो गया। तो ए यूनियन बी में हमारे जो एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, अगर हम बी यूनियन ए करते यानी कि बी का यूनियन ए सेट के साथ करते तो हमारे कौन से एलिमेंट आते, बी के सारे एलिमेंट आते, ए बी सी डी और ई। अब हम ए में से वो सारे एलिमेंट लिख लेते हैं जो बी में नहीं आए हैं। ए तो आ चुके हैं, ई भी आ चुका है, आई नहीं आया है, आई आएगा, ओ नहीं आया है, ओ लिखा जाएगा और यू भी अभी तक नहीं लिखा हमने तो यू लिखा जाएगा। तो क्या इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट और जो जो एलिमेंट ए यूनियन बी में है वही एलिमेंट बी यूनियन ए में भी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सेट यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, राइट? तो हमने देखा कि आप जैसे कम्यूटेटिव लॉ याद होगा अगर आपको, इंटीजर में हमने पढ़ा था या रियल नंबर में भी, 2 प्लस 3 करते हैं चाहे आप 3 प्लस 2 करो दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। बिल्कुल वैसे ही आप दो सेट का यूनियन लेते हैं, ऑर्डर किस तरह भी ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए को पहले लिखो या बी को पहले लिखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, राइट? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हम लोग। यूनियन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन ब्रेसेस बी यूनियन सी। इसका क्या मतलब है कि ब्रेसेस का मतलब प्रायोरिटीज की बढ़ जाती है, राइट? तो यहाँ पे ए और बी का पहले हमें यूनियन निकालना पड़ेगा और जो रिजल्ट यानी कि जो सेट आएगा उसका हम यूनियन सी के साथ करेंगे। इधर क्या बोला जा रहा है आरएचएस में कि आप ए सेट का यूनियन करेंगे किसके साथ, बी और सी सेट के यूनियन के साथ, यानी कि इनका यूनियन निकालने के बाद, इनका जो सेट आएगा वो निकालने के बाद उसका ए के साथ यूनियन निकालना है, ठीक है? तो दोनों सेट जो होंगे वो सेम होंगे। इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सेट ले लेते हैं ए और बी, इसके दो एलिमेंट है, किसी सेट बी में बी और सी एलिमेंट है और किसी सेट सी में सी और वन एलिमेंट, ओके? तो अब हम लोग को यहाँ निकालना था LHS में क्या, A यूनियन B। तो हम पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो A यूनियन B निकालेंगे अगर हम, तो A का सारा एलिमेंट आएगा, A के सारे एलिमेंट कौन कौन से है, A और B, A और B हमने लिख लिया। B का सारा एलिमेंट आएगा तो B में जो B लिखा हुआ वो ऑलरेडी आ चुका है इसलिए बच क्या गया, C। तो A यूनियन B क्या है, A कॉमा B कॉमा C आया, ठीक है? अब इसका यूनियन लेना है किस सेट के साथ, C सेट के साथ। तो ए यूनियन बी सेट का यूनियन लेना है सी सेट के साथ, डेट मीन्स इसका और इसका यूनियन लेना है, ठीक है? तो इसके इस सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, ओके, ए बी सी ये सारे एलिमेंट आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बच गया अब ये सी सेट के सारे एलिमेंट लिखने हमें, तो सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, सी और वन, तो सी तो ऑलरेडी आ गया है ये सी, राइट?
अब ये वन बचा है तो वन को हम बस लिख देंगे। आ गया हमारा ए यूनियन बी और यूनियन सी, राइट। अब हम आरएचएस की एक जगह सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस में बोला जा रहा था कि ए का यूनियन लेना किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, तो ब्रेसेस लगा हुआ है इसलिए हम पहले बी यूनियन सी को सॉल्व कर लेते हैं। यानी बी सेट का यूनियन निकालना है किसके साथ, सी सेट के साथ। बी के सारे एलिमेंट हमें लिखने होंगे बी कॉमा सी, सी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए इस यूनियन में, राइट। तो सी में कौन कौन से एलिमेंट है, सी है, सी ऑलरेडी आ चुका है, बच क्या गया, वन। तो वन को हम कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख देंगे, ओके। अब इस सेट का यूनियन लेना है ए सेट के साथ, दैट इज ए का यूनियन हम लेंगे इस सेट बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आया सेट ए में, ए और बी, राइट। और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, बी, तो बी तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बच क्या गया, सी और वन। तो अब बताओ क्या इस सेट में जो चार एलिमेंट दिख रहे हैं वही एलिमेंट हमारे इस सेट में नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ए बी सी और वन, ए बी सी और वन। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर किसी भी तरह हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, राइट। तो ए यूनियन बी का अगर हम इंटरसेक्शन यूनियन सी के साथ लेते हैं या फिर ए का यूनियन हम बी यूनियन सी के साथ लेते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों सेट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा है ये दोनों सेट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इस चीज को आपको देख के याद आ रहा होगा एसोसिएटिव लॉ, तो ये बिल्कुल एसोसिएटिव लॉ की तरह हमारा यूनियन में भी एप्लीकेबल हो रहा है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में देखा था इसे पहले वाले लेक्चर में। तो यूनिवर्सल सेट में हमारा वर्ल्ड का हर एक एलिमेंट आता है, या फिर कहो कि हर एक सेट उसका क्या है, सबसेट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि अगर आप किसी सेट ए का यूनियन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ये कैसे, तो यूनिवर्सल सेट पहले मैंने बता चुका है, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो ब्रह्मांड में इस वर्ल्ड में जितने भी एलिमेंट हैं चाहे वो कोई नंबर हो वो सारा उसका क्या होगा, सबसेट होगा। यानी इस यूनिवर्सल सेट के पास सारे एलिमेंट हैं जो किसी भी सेट के पास हो सकते हैं, दैट इज यहाँ पे ए जो सेट होगा वो सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का, राइट। यानी कि इसके पास जो भी एलिमेंट है वो इसके पास तो है ही। तो अगर मान लो कोई सेट ए है जिसमें अगर 1, 2, 3 मान लो कोई भी 3 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, लेकिन यूनिवर्सल सेट के पास तो ये भी होंगे, तो आप इन दोनों का जब यूनियन लोगे तो यूनियन में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो यूनिवर्स में तो सब कुछ प्रेजेंट है तो ये भी पूरा प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के ही बराबर होगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, अगर आप किसी ए सेट का यूनियन लेते हैं फाई सेट के साथ तो उसका रिजल्ट सेट ए ही आएगा। कैसे, सेट ए में मान लो कोई भी एलिमेंट ए ई आई ओ यू ए वोवेल का ही सेट ले लेते हैं, और फाई सेट लिखने का मतलब क्या हुआ, इम्पिटी सेट, यानी कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे। अब हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है तो यूनियन का मतलब ही क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, राइट। तो इसके सारे एलिमेंट अगर हम लिखे ए ई आई ओ और यू, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसके लिए कोई एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है और इस सेट कंप्लीट हो गया। तो ये जो सेट है वही तो ए सेट था ना, राइट। तो ये हमारा ए यूनियन फाइव सेट अगर हम निकालते हैं तो किसके बराबर आएगा, ए सेट के ही बराबर आएगा, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए। तो इंटरसेक्शन में क्या था कि दो सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं वही हमें लेना होता था, राइट। तो अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिखे या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखे, दोनों सेट बराबर आएंगे। कैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं ए कोई सेट है जिसमें हमारे 2, 3 और 4 एलिमेंट, और बी कोई सेट है जो हमारा इवन नंबर का सेट है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि ए और बी सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट आएंगे वही हमारे ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में आएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है तो 2 आ गया, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है तो 4 आ गया।
बाकी थ्री इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है, सिक्स इसमें है बट इसमें अब्सेंट है। तो ए इंटरसेक्शन में बस यही दो एलिमेंट आएंगे जो टू और फोर, जो कि ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, राइट। वही अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालते, यानी कि बी और ए के बीच में अगर हम कॉमन देखें, तो टू कॉमन है, फिर से टू आया, फोर इसमें भी है, फोर इसमें भी है, सिक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, थ्री इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो फिर से वही एलिमेंट आए दो जो ए इंटरसेक्शन बी में आए हैं। तो हमारा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आ गया। दोनों इक्वल सेट है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, और जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है वही एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए में है, राइट। तो हमारे इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा इंटरसेक्शन का जो कम्यूटेटिव लाइक तरह से होता है वो इंटरसेक्शन में भी एप्लीकेबल होता है। आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करो या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं इंटरसेक्शन में। ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर ब्रेसेस और इसका इंटरसेक्शन अगर हम सी के साथ करें, या फिर आप ए का इंटरसेक्शन ब्रेसेस बी इंटरसेक्शन सी के साथ करो, यानी कि इस बार फिर से क्या है, यानी कि एसोसिएटिव लव। तो एसोसिएटिव लव भी हमारा इंटरसेक्शन के केस में एप्लीकेबल होगा। कैसे, इसको भी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं एक बार। कोई सेट ए है जिसमें मान लिया वन टू और थ्री एलिमेंट है, कोई सेट बी है जो फाइव इम्पटी ले लेते हैं, ठीक है, और कोई सेट सी है जिसमें ए बी और सी एलिमेंट है, ओके। तो अगर हम इसके हिसाब से LHS के हिसाब से पहले अगर हम सॉल्व कर ले, तो A इंटरसेक्शन B बोला जा रहा था, तो A का B के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो B तो हमारा 5 है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन आया, बिल्कुल नहीं आया, तो यानी कि A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, क्योंकि जो एलिमेंट A में है वो तो B में प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो इसके जो हमारे कॉमन एलिमेंट यानी कि इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। अब ए और बी का जो इंटरसेक्शन आया हमारा, उसका इंटरसेक्शन लेना था सी के साथ, दैट मींस इसका इंटरसेक्शन अब हम सी सेट के साथ लेंगे, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमको इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर से सी सेट में जो भी एलिमेंट, तीन एलिमेंट पाए जा रहे ए बी सी, उसमें से कोई भी एलिमेंट इसके साथ कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, राइट। चलिए अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS में A का इंटरसेक्शन लेना था किसके साथ, B और C के इंटरसेक्शन के साथ। तो चलिए B और C का पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ब्रेसेस लगा और ब्रेसेस के कारण उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। तो B और C, तो B में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, और C में A B C है, तो कोई एलिमेंट कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा, 5 से, राइट। और इसका इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ करते हैं, दैट मींस बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन हम ए के साथ ले, दैट मींस 5 एक सेट है, और इसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ लेना है जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है वो इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, तो फिर से कुछ भी कॉमन नहीं आया, आया क्या, बिल्कुल नहीं आया, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, एक इम्पटी सेट। तो जो LHS में जो सेट आया है वही RHS में भी आया है, राइट। तो फिर से हमारे दोनों सेट्स क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी कि एसोसिएटिव लॉ हमारा है वो भी इंटरसेक्शन के केस में एप्लीकेबल हो रहा है, ओके। तो चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर आप किसी सेट ए का इंटरसेक्शन लेते हैं 5 सेट के साथ, तो उसकी वैल्यू यानी कि वो जो रिजल्ट देगा वो 5 सेट देगा। अभी हमने देखा है कि ए कोई सेट था हमारा जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट थे, राइट। हाई सेट का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, इम्पटी सेट, यानी कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आया होगा। अब ए और 5 में अगर हम कॉमन एलिमेंट खोजे भी, तो इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 है, नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 है, नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे, इसका मतलब कॉमन नहीं आ रहे, यानी कि एक ऐसा सेट ये देगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आए, राइट। क्योंकि ये तो बनाएगा सेट है, यानी कि ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट लिखना है लेकिन कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या लिखूं, तो कुछ नहीं लिखूंगी, इसका मतलब ये क्या दे रहा हमें, 5 सेट। यानी कि आप किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं 5 सेट के साथ, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 सेट ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलिए
किसी यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन ले सेट ए के साथ, तो यूनिवर्स में तो हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट? यूनिवर्सल सेट जो है उसमें तो हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन कोई सेट ए है जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट है, बस 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। तो 1 जो इस सेट ए में है वो तो यूनिवर्सल सेट में होगा ही होगा, 2 जो है वो इसमें होगा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में इस वर्ल्ड के हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक नंबर प्रेजेंट है ऑलरेडी। 3 जो इस सेट ए का एलिमेंट है वो भी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा ही होगा। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट का किसी सेट ए के साथ हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो हमारा जो एलिमेंट आता है वो सारे एलिमेंट आएंगे, बस वही सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में होंगे, डेट इज 1, 2 और 3। क्योंकि मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते जा रहा सारा नंबर है, ओके? तो 1 तो यूनिवर्सल सेट में है, तो और 1 हमारा ए सेट में भी है, तो 1 आ गया कॉमन। 2 यूनिवर्सल सेट में और 2 हमारे सेट ए में भी है, तो आ गया कॉमन। 3 यूनिवर्सल सेट में भी और 3 ए में भी है, तो आ गया कॉमन। लेकिन ये 4 यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन इस सेट ए में है, नहीं है, तो कॉमन आएगा? नहीं आएगा। तो यानी कि हम किसी यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं किसी सेट ए के साथ किसी सेट बी के साथ, तो वो उसी सेट के बराबर ही रिजल्ट देगा, यानी कि रिजल्ट में क्या आएगा, वही सेट आएगा, ओके? क्योंकि हमारा जो ये सेट ए है, यानी कोई भी सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो होगा ही होगा, यानी कि इस सेट ए के पास कम एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट से, ओके? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखें। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ब्रेसेस बी यूनियन सी के साथ, यानी कि बी और सी कोई दो सेट है, उनका पहले यूनियन निकालो, और यूनियन निकालने पर जो रिजल्ट आएगा उसका आपको ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो आप ये चीज को ऐसे सॉल्व करो, या फिर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ कर लो, ए इंटरसेक्शन सी, दोनों जो सेट रिजल्ट देंगे उनका आप यूनियन निकाल दो। ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह है, जैसे हमारा ए इंटू बी प्लस सी हुआ करता था, तो आप ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करते थे, ए इंटू बी, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ करते थे, ए इंटू सी, और दोनों को क्या करते थे, ऐड करते थे। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहा है, और यूनियन जो है वो बिल्कुल एडिशन की तरह काम कर रहा है, ओके? चलिए तो इसको देख लेते हैं एग्जांपल की मदद से सॉल्व करके, या फिर हम इसे वेन डायग्राम की मदद से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलो वेन डायग्राम से ही करते हैं। मान लेते हैं कोई 3 सेट है, ए बी और सी। ये हो गया आपका ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट, ओके? तो बी यूनियन सी का मतलब बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, तो ये बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट को हमने सेट कर दिया, ठीक है? अब इसका इंटरसेक्शन लेना है किस सेट के साथ, ए के साथ। तो अगर हम बी यूनियन सी के बारे में बात करें, तो बी यूनियन सी कितना हिस्सा रहा है, यहां से लेके ये पूरा, और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है 8 जैसा जो लिखा हुआ है, वो हमारा बी यूनियन सी हो गया। बी के भी सारे एलिमेंट आ गए और सी के भी सारे एलिमेंट आ गए, राइट? अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन लेना है सेट ए के साथ। इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या हुआ, ओवरलैप होना चाहिए। तो अगर ए सेट देखे तो ए सेट ये पूरा है, ये सर्कल, तो आपको कितने रीजन में क्रॉस दिख रहा है, यहां देखो ध्यान से, ऐसे वाला जो शेडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी को, ठीक है? और ऐसे जो खड़ा हुआ हुआ शेडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। ऐसा कितना रीजन है जहां पे ऐसे, यानी कि बी यूनियन सी के लिए भी एलिमेंट्स आ रहे हैं और ऐसे ए के लिए भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये हमारा कॉमन रीजन हो जाएगा। तो वो जो रीजन है वो बस इतना सा है, राइट? तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है वही रीजन हमारा होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट? तो ये रीजन जैसा आपको फिगर इधर दिख रहा है, अगर हम RHS को सॉल्व करें तो भी हमें ऐसा ही फिगर दिखता है। इसका मतलब दोनों जो चीजें मैंने लिखी है LHS और RHS, वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो ये आपको LHS का वेन डायग्राम दिखा, RHS का हम वेन डायग्राम बना लेते हैं।
फिर से मैं तीन सेट ले रही हूँ, ए बी और सी। ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी है। तो हमें इस बार क्या लेना है, ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाला हिस्सा लेना है। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसके बीच का ये कॉमन हिस्सा ही है ये इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे वाला जो शेडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। ओके, ए इंटरसेक्शन सी लेना है, तो ए सेट का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो ये वाला जो रीजन हो गया, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। अब इस दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन लेने का मतलब क्या हुआ, एक बार इसका भी हिस्सा लेना है और सारे इस सारे एलिमेंट इसके भी होने चाहिए और सारे एलिमेंट इसके भी होने चाहिए। तो अगर हम यूनियन ले तो ये वाला हिस्सा रिपीट कर रहा है, लेकिन हमें लेना क्या है, एक ही बार लेना है। तो हमारा यूनियन क्या आएगा, यही हिस्सा आएगा, यही पोर्शन आएगा। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वही पोर्शन तो हमें इधर भी मिला था, है ना। तो दोनों के वेन डायग्राम सेम आ रहे हैं, यानी कि हमारी दोनों चीजें, यानी कि दोनों हमारा LHS और RHS आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ओके, तो ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह था, कोई भारी चीज नहीं बताया और ना ही कोई नया चीज था। बिल्कुल मल्टीप्लाई के जगह पे इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर दो और एडिशन के जगह पे किसको रिप्लेस करना था, यूनियन को। तो एक और ऑपरेशन होता है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट, इसमें क्या होता है, आप किसी दो सेट को आपस में डिफरेंस यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाते हैं, एक तरह से घटाते हैं जैसे वैसे, यानी कि ए माइनस बी। आप क्या कर रहे हो, सेट ए में से सेट बी को घटा रहे हो। तो ये बिल्कुल मैथमेटिक्स, यानी कि नंबर तो है नहीं कोई सेट, सेट में तो एलिमेंट पाए जाते हैं नहीं, तो इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे। मान लेते हैं एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, x, और x क्या होगा, तो x वो सारे एलिमेंट होंगे जो a सेट को तो बिलोंग करेंगे, लेकिन x जो है वो b सेट को बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि इस सेट के अंदर वो a के सारे एलिमेंट होंगे लेकिन b का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको एग्जांपल से समझो, कोई सेट ए है जिसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट है, और कोई सेट बी है जिसमें ए वन टू बी और थ्री एलिमेंट है। ओके, तो अगर हम ए माइनस बी निकालते हैं तो ए के तो सारे एलिमेंट आएंगे ही, जैसा मैंने बताया है आपको। तो ए के सारे एलिमेंट हम लिख लेते हैं ए बी सी डी और ई, लेकिन इस सेट में बी का एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो ए तो हमारा बी का एलिमेंट है, तो ए इस सेट में नहीं आ सकता है। और कोई एलिमेंट ऐसा आ गया है जो बी में प्रेजेंट है, बी, तो ये बी भी इसमें नहीं आ सकता। सी बी सेट का एलिमेंट नहीं है, डी बी सेट का एलिमेंट नहीं है, और ई जो एलिमेंट है वो भी बी सेट में नहीं है। यानी कि हमारा ए माइनस बी क्या हो जाएगा, बस सी डी और ई। बस इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तीन। यानी कि तरह से कहो कि आप ए के तो एलिमेंट लेंगे, लेकिन ए के वो एलिमेंट जो बी में आ रहे हैं आपको उसको हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझो तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को हटाना है। तो बी सेट के जो एलिमेंट है वो इतने ही रीजन में आ रहे हैं, राइट। तो ए माइनस बी जो होगा वो बस इतना सा पोर्शन होगा। ए तो ये पूरा सर्कल था, लेकिन सर्किल का इतना जो भाग है उसमें जो एलिमेंट है वो बी का भी है, कुछ कॉमन एलिमेंट बी के भी, तो उस पोर्शन को हमें छोड़ देना। और ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए माइनस बी। ओके, तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।